नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ई रिक्शा में कितने प्रकार का सॉकर होता है और ये जो सॉकर जो है इस सॉकर में कौन सा ओएलसी लगता है, इस सॉकर में कौन सा एक्सल लगता है, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ज़्यादातर ई रिक्शा जो होती है उसमें यही तीन प्रकार के सॉकर लगे होते हैं। चलिए हम बात करते हैं पहले सॉकर के बारे में। तो पहला हमारा जो ये सॉकर है वो 31 mm का सॉकर है। यह सॉकर ई रिक्शा का सबसे पत्ता सॉकर होता है। जितनी भी पुरानी गाड़ी आप देखेंगे, पहले की ई रिक्शा जो होती है उसमें ज़्यादातर गाड़ियों में आपको ये सॉकर मिलेगा। तो ये सॉकर जो है 31 mm का सॉकर है, जो कि ई रिक्शा का सबसे पतला सॉकर होता है। इस 31 mm के सॉकर में एक्सल जो है वो 12 mm का एक्सल लगता है। देख सकते हैं आप, इसमें 12 mm का एक्सल लगता है। आप देख रहे हैं ये एक्सल जो है, ये 12 mm का एक्सल है। तो हम इस एक्सल को इसमें लगा के देखते हैं। पहले देखिए ये हमारा जो एक्सल है इसमें आसानी से जो है वो फिट हो जाता है। और इस सॉकर का जो होल होता है वो 12 mm का होता है। इसकी में जो है आपका हब लगता है और हब के बाद जो है उस पर जो व्हील होता है, आगे का फ्रंट व्हील होता है, वो इसी पर लगाया जाता है। तो जैसे ये 31 mm के सॉकर में 12 mm का एक्सल लगता है, उसी प्रकार से इसमें हब जो है वो भी 12 mm का हब इसमें लगेगा। और इस हब में जो है 6301 का बेयरिंग लगा हुआ होता है। ये आप देख रहे, ये जो मल्टी हब है इसमें 6301 का बेयरिंग लगा हुआ रहता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा ओएलसी लगता है। तो इस जो सॉकर है 31 mm के इस सॉकर में 3143 का ओएलसी इसमें लगाया जाता है। जैसे जैसे सॉकर पुराना होने लगता है तो इसका जो ओएलसी जो है वो कट जाता है। तो इसमें जो है 3143 का ओएलसी हम लोग लगाते हैं। और जो देख रहे हैं आप, इसी के अंदर जो है यहाँ जो है ओएलसी लगा हुआ रहता है। तो ऑयल सील चेंज करने के बाद इसका जो है ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम, इसमें ऑयल जो लीक करता है तो वो प्रॉब्लम इसमें ख़त्म हो जाता है और सॉकर फिर बढ़िया से काम करने लगता है। अब दूसरा आप जो सॉकर देख रहे हैं, ये हमारा 37 mm का सॉकर है। ज़्यादातर ई रिक्शा में आजकल 37 mm या 43 mm सॉकर ही आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा ये सॉकर जो है, देख रहे हैं आप, 37 mm का ये सॉकर है। और इस सॉकर में जो है ऑयल सील है, इस सॉकर में 3750/11 का ऑयल सील लगाया जाता है। आप देख रहे हैं ये हमारा जो ये ऑयल सील देख रहे हैं आप, ये 3750/11 का इसमें ऑयल सील लगता है। 37 mm के इस सॉकर में 6302 बेयरिंग वाला हब इसमें लगता है। कुछ में इसमें 6301 बेयरिंग वाला हब भी लगता है, जिसमें कि 12 mm का एक्सल होता है। तो इसमें जो है वो, ये आप जो देख रहे हैं, यह 6302 बेयरिंग वाला हब है, यानी कि यह 15 mm का हब है और इसमें एक्सल जो है वो भी 15 mm का इसमें एक्सल लगता है। तो 37 mm के इस सॉकर में 15 mm का हमारा एक्सल लगता है। और कुछ ई रिक्शा में 12 mm का भी इसमें एक्सल लगता है, लेकिन ये जो हमारे पास जो अभी जो ये सॉकर है इसमें 15 mm का एक्सल लगेगा। और इसमें हब जो है वो भी 15 mm का हब इसमें लगने वाला है। और आप देख रहे हैं ये हमारा जो एक्सल जो है वो इसमें आसानी से फिट हो जा रहा है। ये हमारा 15 mm का एक्सल है। और इस एक्सल का जो होल आप देख रहे हैं, ये जो इसका होल है वो 15 mm का इसमें होल है। और इसी में एक्सल जो है वो आपका 15 mm का हमारा एक्सल लगता है। और हब जो हमारा आप देख पा रहे हैं, ये हब, ये 6302 बेयरिंग वाला हब है, यानी कि यह 15 mm का मल्टी हब है जो इसमें लगता है। अब चलते हैं हम अगले सॉकर की तरफ। तो अगला सॉकर जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा 43 mm का सॉकर है, जो कि ई रिक्शा का सबसे हैवी सॉकर होता है। आजकल जितनी भी नई गाड़ियाँ आप देखेंगे तो सभी ई रिक्शा कंपनियाँ अपनी गाड़ियों को ज़्यादा मजबूत बना रही है, ज़्यादा हैवी बना रही है, जिस वजह से इसमें सॉकर भी काफ़ी हैवी सॉकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारा ये जो सॉकर है, ये 43 mm का सॉकर आजकल की ज़्यादातर गाड़ियों में आप देखेंगे तो हमारा यही सॉकर लगा हुआ रहता है। तो इसमें जो ऑयल सील जो है वो कौन सा ऑयल सील लगता है, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो ऑयल सील जो है वो 4355/11 का ऑयल सील इसमें लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा एक्सल लगता है। तो आपको बता दें 43 mm के इस सॉकर में 15 mm का एक्सल लगता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक्सल जो है वो 15 mm का एक्सल है। और इसमें हब जो है वो भी 15 mm का हब इसमें लगने वाला है। तो पहले हम आपको इस सॉकर में एक्सल लगाकर दिखाते हैं। तो देखिए,
ये जो हमारा 43 mm का सॉकर, इसमें 15 mm का एक्सल आसानी से फिट हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये आसानी से इसमें फिट हो जा रहा है, और हमारे हब जो है वो इसी हब में ये जो एक्सल इस पर लगता है। तो 43 mm के इस सॉकर में हब जो है वो 15 mm का होगा, 6302 बैरिंग वाला हब इसमें लगेगा, और इसका एक्सल जो है वो भी एक्सल जो है इसका एक्सल जो है वो 15 mm का एक्सल इसमें लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, एवं ई रिक्शा से जुड़ी इस प्रकार की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।